कृष्ण के पापा के साथ चल रहा है समय की माँ का चक्कर। कृष्ण ने बड़ी माँ को सुनाई खरी खोटी। हेलो, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया और मैं हूँ आपके साथ अलमास सिद्दीकी। टीवी सीरियल सुहागन में इन दिनों काफी ज्यादा ड्रामा और ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। बात करें सीन की तो इस वक्त घर में काफी घमासान चल रहा है। दरअसल समय की माँ पर ये इल्जाम लगा है कि उनका चक्कर कृष के पापा के साथ चल रहा है, यानी कि शुक्ला जी पर, क्योंकि घर वालों के हाथ में एक चिट्ठी लगी है और ये चिट्ठी लव लेटर है। समय की माँ ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है। वहीं शुक्ला जी भी खुद को जस्टिफाई करने लगते हैं, लेकिन कृष की मम्मी उनका यकीन ही नहीं करती है। और बाद में कृष अपनी बड़ी माँ को खरी खोटी सुनाता है, तभी वहाँ पर बिंदिया समय की मम्मी को आकर सपोर्ट करती है और कहती है कि आपको घर से बाहर जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप पर कोई भी दाग नहीं लगा हुआ है। चले आपको दिखाते हैं ऑन लोकेशन की कुछ झलकियाँ। ये ना, ये चिट्ठी नहीं है, तेरे पापा का कच्चा चिट्ठा। और सच तो ये है कि हमारे शादी से पहले तेरे पापा का अपनी शांति भाभी के साथ ना चक्कर चल रहा था। लेना, पढ़ ना, पढ़ो ना जी। अरे कोई पढ़ेगा? पढ़ के सुना, पढ़ो। हमारी प्रिय शांति, सिर्फ शांति कहो या फिर शांति प्रिय, तुम्हें तो माँ जी गुस्से में है इसलिए कुछ समझ नहीं आया, पर आपकी समझ को क्या हो गया भाभी जी? हाँ, ऐसे किसी की चिट्ठी पढ़ी जाती है क्या? एक्सक्यूज मी, मुझे कोई शौक नहीं किसी की चिट्ठी पढ़ने का, मैं तो बस सबको साथ करा रही हूँ। अच्छा सर, जब आप नहीं, बाबूजी बताएंगे। बाबूजी के पास आइए। बाबूजी, हम जानते हैं कि आप अपने जीवन में कोई गलत कर ही नहीं सकते, पर लोगों के मन से शक दूर करने के लिए आप सबको सच्चाई तो बता दें। सबको सच्चाई पर उससे पहले आप सब लोग सुन लीजिए, हमारे बाबूजी ने ना सिर्फ दूसरों में ईमानदारी दिखाई है बल्कि दूसरों को ईमानदारी सिखाई है, इसलिए इन्हें गलत समझना हमारे लिए सबसे बड़ी गलती है। हमको कितना दर्द होता होगा, आपने हमारे लिए कभी दर्द महसूस किया? नहीं किया। कहे कि अगर आप एक शादीशुदा रिश्ते में बाबूजी की तरफ से थोड़ी सी भी कमी रह जाती तो आपके मन में हमारे लिए कहीं ना कहीं जिस दर्द से गुजरता है उसके लिए उस दर्द को महसूस करना। और इस प्रेम पत्र के बारे में बताइए, इसका क्या चक्कर है? इसके बारे में तो शांति भाभी जानती भी नहीं है। और यकीन करो, जिस दिन से बड़के भैया का रिश्ता तय हुआ शांति भाभी के साथ, उस दिन से लेकर आज, उस दिन से लेकर आज तक हमें सिर्फ उनमें अपनी भाभी का रूप ही दिखता है। और यही सच है, पूरा सच है। यही सच है तो आपकी भाभी आपको देवर जी क्यों नहीं बुलाती? बार बार शुक्ला जी क्यों जपते रहती? सच कहा कि तन का महल तो साबुन और पानी से धोया जा सकता है, पर मन का महल कोई भी नहीं धो सकता। हिंदू हम अकेले इन्हें शुक्ला जी नहीं बुलाते, पूरा मोहल्ला इन्हें शुक्ला जी बुलाता था। हमें आदत पड़ गई थी चुन्नी ही चुन्नी, बस इतनी सी ही बात है। शांति भाभी हमारे पड़ोस में रहती थी और हमें उन्हें देखकर अच्छा लगता था। बस
ले जाओ बस। तुम क्या हो, जज हो या फिर कहीं के महारानी हो जो हर बात में अपना पता सुना देती हो? ये जो ये जा रहे हैं तो जाने दीजिए ना, क्यों रोक रहे हैं? एक बेजान चिट्ठी पर आपको इतना भरोसा हो गया? शिट शिट। और बाबूजी, जिन्होंने अपने जीवन के इतने साल आपको दिए, आपको उन पर भरोसा नहीं हो रहा है? झूठे इल्जामों के लिए सुना क्या हो गया हमारे घर को? पापा और बड़ी माँ काफ है। Come on यार, पापा और बड़ी माँ काफ यार हो ही नहीं सकता। मम्मी जरा देखो, देखो पापा को, कौन से एंगल से आपको लगता है इनका अफेयर हो सकता है? हाँ, ये मानते हैं कि पापा हमारे हैंडसम है, पर इतने बोरिंग इंसान है ना कि इनका चक्कर अक्कर नहीं चल सकता। और हमें तो ये बात सोचकर भी हंसी आ रही है कि इतनी सिली सी बात के लिए हम बचपन से लड़ रहे थे। सीरियसली, नो चांस। वाह रे, छोटी किस्मत हमारी, हम भी ना एक से एक नमूना बच्चा पैदा किए, हम यहाँ अपनी दुख भरी दास्तान सुना रहे हैं, हाँ तुम लोग यहाँ खिखी खिखी दांत निकाल के हंस रहे हो। अरे मम्मी तो हंसे क्यों नहीं, आपको एक लेटर क्या मिला, आपने उसको दुख भरी दास्तान बना दी। पापा एक एक बात बताओ, जब आपने ये लेटर लिखा था ना तो आपकी उम्र क्या थी? बताओ प्लीज। यही कोई 17-18। अरे 17-18 की बात को कौन सीरियसली लेता है? हम बताते, जब हम स्कूल में थे ना तो इस एज में ना हमें अपने इंग्लिश टीचर पे क्रश आ गया था, लेकिन उन्होंने हमें क्लासरूम से थोड़ी बाहर निकाल दिया। नहीं ना जो वो भूल जाओ, पर हाँ याद रखो हमारे पापा बेस्ट है। बिल्कुल, विनिया ने भी कहा हाँ हमारे बाबूजी बिल्कुल बेस्ट है। आप ये सालों पहले हमें बता देती ना, आप बता देती ना तो कोई भी रिश्ता टूटता ही नहीं। कौन यकीन करता कि छोटे पापा और माँ आई कम मिल गई। सोच बड़ी माँ को घर छोड़कर जाना, पर हमारा जो सर फूटा था उसका क्या? छोटी माँ बच्चे थे तब, हम कृष को मार रहा था और गलती से आपको लग गया, उस वक्त भी माफी मांगी थी और आज भी मांग रहा हूँ, प्लीज निकाल दीजिए ना दिल से ये बात। सबकी हंसी ठिठोली हो गई तो जरा ये बताओ ना कि इस हार का क्या चक्कर? माँ जी ये हार तो बड़ी माँ हमारे सामने पड़ी, अरे
शादी हो या सगाई, इस उम्र में हम कहां हार लात कर घूमेंगे। ये हार उसके लिए है जो हमारे समय के दिल में बस चुकी है, हमारी होने वाली बहू, हमारी बिंदिया। और जितना समय चाहिए तुम ले लो, पर इसे स्वीकार कर लो। माफ कीजिएगा बड़ी मां, हम ही नहीं ले सकते। बड़ी मां डोंट वरी, हम है ना, हम आपकी शॉपिंग को ना बिल्कुल वेस्ट नहीं जाने देंगे। आपका ये हार हम पहन लेंगे, हमारी कल एंगेजमेंट जो है। की बात चल रही है हां पायल, तो सगाई हमारी, और हमें अभी पता चल रहा है। अरे अभी जो कमरे में हम दोनों ने बात की थी, इस बारे में बात की थी, तो फैसला तो नहीं कितना पाया। अरे पर तो तुम राजी थे। नहीं, हम राजी नहीं थे, और अभी नहीं थे, और कभी नहीं, इसलिए भूल जाओ इस एंगेजमेंट को। अभी भी नाराज होकर चली गई, और बिंदिया समय, तेरा समय तो बहुत खराब चल रहा है। समय का समय कभी खराब नहीं है, इंसान का तो अच्छा समय आने वाला है, क्योंकि तो देखो बिंदिया छोटी माँ, आप सालों पहले हमें ये सब बता देते तो हम सब ये घर टूटने नहीं देते। इनफैक्ट किसको यकीन होता छोटी माँ कि छोटे पापा और माँ। तो जैसा कि आपने देखा कैसे बिंदिया ने समय की मां को संभाला है। वेल, ये न्यूज़ अपडेट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।